अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमान शुक्र अदा करके कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर जाकिर नायक से एक हिंदू ने सवाल किया और कहा कि मेरे पेरेंट्स हिंदू है और मैं हिंदू के घर बाई चांस पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं इंसान हूँ और इंसानियत को मानता हूँ, लेकिन आजकल तक किसी भी मजहब ने इंसानियत के ऊपर काम नहीं किया है। आप नए हैं तो हम दम TV पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें, उस चैनल में आपको बहुत से इस्लामी मालूमात मिलेंगे। तो चले हम वीडियो शुरू करते हैं। आप अभी आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना? आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं? ओ भाई साहब, भाई साहब ना, बिल्कुल सही भाई साहब, भाई साहब ऐसा डॉक्टर साहब, मेरे पेरेंट्स हिंदू थे पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूं, मैं अपने को इंसानियत मानता हूं, इंसान मानता हूं। By chance मैं जमा हूं हिंदू जगह घर और आप जमे हैं इस्लाम के घर और दूसरे जमे उनके घर, पर सबसे ज्यादा है इंसानियत। और अभी तक मजहब ने, कोई भी मजहब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूं, बाल मेरे सफेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूं, पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं? हजारों साल बाद लिखी हैं। पहले जबान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूजना है। वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, एब्राहम से लेके मोसेस तक और आपके मोहम्मद साहब के पास, आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान 50 साल बाद लिखेगी, तो नहीं 40-50 कोई भी हो, पर मुझे माफ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उड़ना चाहता हूँ। हम सब इंसान है, इंसान को एक करके सब मजहब 21st century में इंसानियत मजहब क्यों नहीं बनाते? जो आप पर ठहर, मैंने अभी खत्म नहीं किया जना, मैंने अब खत्म नहीं किया। हाँ मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप अपना पर्सनल मजहब है रखिए, अपने घर में रखिए, पर स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए, वार ना करिए, लड़ाई ना करिए। एक माफी चाहता हूँ, ऐसी हजारों चीजें मैं दूसरे मजहब में निकाल सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंड सर हमारे पैगंबर के थे। ये चीजों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हजारों दे सकता हूँ, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लोगों ने हिंदू का सवाल जो है वो देख लिया होगा, अभी जाकिर नायक का जवाब देखकर उसको दंग ले जाता है। आप देख लीजिए वीडियो को आखिर तक। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा और नीचे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि हम इसी तरह और वीडियोस आपको पेश करते रहे। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान होना ज़रूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना ज़रूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में इंसानियत के खिलाफ नहीं है, एक भी बातें। मैं चैलेंज करता हूँ, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना ज़रूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूँगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना ज़रूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफ़ी नहीं है।
तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है, समझ रहा? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना जरूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मजहब, जितने मजहब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किए, आपने 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं। तो मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने कब कहा कि आपने कहा, मैं कह रहा हूँ। मैंने कब कहा कि आपने कहा, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मज़हब पे भी चंद साल के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूँ माशाल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मज़हब भेदभाव करता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मज़हब भेदभाव नहीं करता। जो मज़हब के मानने वाले हैं वो मज़हब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते हैं, वो अलग बात है। गलती है मज़हब के मानने वाले की, मज़हब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मज़हब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज़ कार है, मर्सिडीज़ कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज़ कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज़ कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं, और मर्सिडीज़ कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज़ गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज़ का कितनी अच्छी है तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज़ कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। इस वीडियो से फायदा लिया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो के लिए हमें नीचे कमेंट जरूर।